मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय स्थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है, जिसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मुझे इस बड़ी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति, सामर्थ्य और सद्बुद्धि दे, जिससे कि मैं ये क्या अच्छी तरह से पार कर सकूं। आप जानते हैं, हमारी इंडियन आर्मी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। उसी प्रकार स्थल सेना का देश निर्माण या नेशन बिल्डिंग में भी उतना ही अच्छा योगदान रहा है। आपके माध्यम से मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता, इन तीनों मूल्यों पर पूरी तरह या पूर्णतया प्रतिबद्ध है। आप जानते हैं, विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारी स्थल सेना का काम है। हमारी स्थल सेना बाकी सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे प्रीडिसेसर्स ने जो अच्छा काम किया है उसको मैं आगे बढ़ाऊं और ख़ास करके आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अहम लक्ष्य प्राप्त करूं। जहां तक हमारे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों का सवाल है,
मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनका हित और कल्याण मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। साथ ही में हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी, उनका वेलबींग को ध्यान रखना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी।